हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिद्धि जैन। आई एम 13 ईयर ओल्ड। आई एम फ्रॉम बांसवाड़ा, राजस्थान। मैं डिजिटल यूथ कल्चर फेस्टिवल 2020 में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं विचार मंच में भाग ले रही हूँ। मेरा टॉपिक है कि प्रतिकूल परिस्थिति में मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। तनाव क्या है? तनाव कैसे उत्पन्न होता है? तनाव को हम टेंशन, चिंता, डिप्रेशन आदि भी कह सकते हैं। और तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक रूप की बेचैनी से उत्पन्न होता है। आज का युग ऐसा युग है कि इंसान चाहे बालपन में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, वो तनावग्रस्त होगा। देख लीजिए कि बालपन में छोटा बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है तो उसको लगता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, और जब पढ़ाई के बाद जब रिजल्ट एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में कैसे दूंगा, कैसा पेपर आएगा, उसके लिए तनाव में रहेगा। उसके बाद रिजल्ट के लिए कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, उस चीज़ के लिए वो तनाव में रहेगा। और जब वो युवावस्था में आता है तो उसकी जॉब के लिए या तो तनाव में रहेगा, या फिर वो लव अफेयर में धोखा मिलने के बाद वो तनाव में रहता है। बुढ़ापे में देख लीजिए कि उसके बच्चे उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं, उस चीज़ के लिए वो तनाव में रहेगा। पता है सबसे मेन प्रॉब्लम कि आज सब साथ में रहना भूल गए हैं, मिलजुल कर रहना भूल गए हैं, साथ में सुख दुख बांटना भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि किस कुछ लोगों के जीवन में ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। सभी के जीवन में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियां आती हैं। और आजकल लोगों का खुद पर ही भरोसा नहीं है। कहते हैं कि जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता उस पर तो भगवान भी विश्वास या भरोसा नहीं करता है। अब हम तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं? तो पहली बात कहूँगी कि आप परिवार के साथ रहिए, अपनी हर बात का वार्तालाप कीजिए, परिवार के साथ मस्ती करिए, घूमिए, हफ्ते में एक दिन घूमने जाइए, खुशियों से रहिए, मस्ती करिए। दूसरी बात, आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लाफिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों की तरह से स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी बात का कोई तनाव नहीं होगा। और कहूँगी कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप सकारात्मक सोच रखिए, हौसला रखिए, विश्वास रखिए और आत्मीय भाव रखिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो और आपको कोई तनाव नहीं होगा। तो एक छोटी सी बात कहूँगी लास्ट में कि हमें हर कार्य के प्रति सकारात्मक सोच, आत्मीय भाव, विश्वास और हौसला और हिम्मत रखनी होगी, तभी हम तनाव से दूर रह सकते हैं। अगर हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तो एक ऐसा जीवन है, जीवन व्यर्थ है। और अपने परिवार के साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। हंसिए, खुशिए, खेलिए, जिससे कि हम हमारे तनाव को दूर रख सकते हैं। थैंक यू।